मानी पद्मे हम, ओम 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 मानी पद्मे हम, ओम। ब्रेथवर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से सारा का सारा खेल सांसों का है, किस शरीर में कितनी सांस डल के आई है, कौन कितना कार्मिक चंक बर्न करने के लिए। प्लैनेट अर्थ इज लाइक ए क्लासरूम, यू आर हियर टू लर्न आवर ओन ट्रूथ। कितनी जबरदस्त बात है ना, हमें सर्वाइव करने के लिए सांस चाहिए। जब सांस रुक जाएंगे तो हम भी रुक जाएंगे, और सांस अपने आप चल रहे हैं, मतलब ऑटो पायलट मोड पे डाल रखा है अपने आप को। सोच के देखिए कितनी एडवांस्ड मशीन है, कितने एडवांस्ड बीइंग है हम खुद, कि जो सबसे जरूरी है उसको तो ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। तो अब अगर ऑटो पायलट मोड पे डाला है तो क्या मुझे कभी पायलट सीट पे बैठ के दोबारा से हैंडल पकड़ने का मौका मिलेगा इस मशीन का? दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड मशीन ऑन दिस प्लैनेट, हमारा ये शरीर। और इसी को कैसे चलाना है और कैसे आगे बढ़ना है, यही किसी ने नहीं सिखाया। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। इंजीनियर बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, लेकिन इस मशीन के बारे में नहीं जानता, इन्वेंशंस करता है। डॉक्टर जान बचाता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये सिस्टम कैसे चलता है। क्या कोई सुपरनेचुरल फोर्स इसको चला रही है? क्या कोई इंटेलिजेंस इस शरीर को चला रही है? मैं कहता हूं हाँ जी बिल्कुल, कोई डिवाइन इंटेलिजेंस है जो इस शरीर को चला रही है, जो इस पूरे एक्सपीरियंस को मेरे सामने करवा रही है। अब अगर मैंने अपने शरीर को ऑटो पायलट मोड पे डाल रखा है तो मैं जनरली एक मिनट में 12 से 13 बार सांस ले रहा हूं। अब करके देख सकते हैं टाइमर के साथ, आप नॉर्मली कितनी बार सांस लेते हैं एक मिनट? 12 से 13 बार, 15 बार। अगर पायलट सीट पे आना है तो कॉन्शियसली ब्रीदिंग करके आपकी नेचुरल स्टेट होनी चाहिए एक मिनट में 3 से 6 ब्रेथ। अगर इस स्टेज पे पहुंच गए तो फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, बहुत नॉर्मल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी नॉर्मल, एक इंसान 100 साल के लिए जीता है, वहीं एक कछुआ 300 से 500 साल के लिए जीता है। क्या आप जानते हैं वो एक मिनट के अंदर सिर्फ 3 बार सांस लेता है? कछुआ बनना है, कछुए की तरह आराम आराम से। कहानी विश्व ने ये सिखाई है ना कि हर एक स्टेप देख के रखना है, ग्रोथ करनी है लेकिन धीरे धीरे, हर एक स्टेप संभल के देख के रखना है। खरगोश की तरह एकदम से भागना नहीं है आंख बंद करके। अब जो ये इनर वर्क भी हम कर रहे हैं, ये इनर जर्नी में जो हम चल रहे हैं, हमें हर एक स्टेप देख के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी इतनी पोटेंट एनर्जी है, इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है। अगर आप खरगोश की तरह भागने लगेंगे और हर स्टेप देख के नहीं रखेंगे तो ये पागल बना देगी आपको एनर्जी। इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें इसकी इतनी पोटेंसी है। तो ग्रैटिट्यूड, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और आंसर है। इसको कंट्रोल में लेके आना, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, आपके इस एक्सपीरियंस के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, आपको एक ह्यूमन बर्थ मिला है इसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, आपको एक चांस दिया इस यूनिवर्स ने वो अचीव करने के लिए जिसे फ्रीडम बोलते हैं। अगर ह्यूमन बर्थ मिला है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बर्थ के थ्रू ही आप इस पूरे गेम से बाहर निकल सकते हैं, इस मेटावर्स से बाहर निकल सकते हैं, गॉड की मेटावर्स से बाहर निकल सकते हैं और फील कर सकते हैं उस इनफिनाइट ओशन को जहां से आप आए और जिसमें आपको मिल जाना है। अपने अंदर ही उसको फील करोगे, इस आउटर वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। यू हैव टू गो इनवर्ड इफ यू वॉन्ट टू अचीव दैट यूनियन। योगा, द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस
विद डिवाइन कॉन्शियसनेस. डिवाइन कॉन्शियसनेस हर टाइम पे, हर जगह, हर चीज कण कण में मौजूद है. लेकिन हमारा शरीर कितना ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, कितने हम सोए हुए हैं, और जाग के क्या हम उस डिवाइन को कण कण में एक्सपीरियंस कर सकते हैं? यही करना, हर चीज में सिंक्रोनिसिटी मिलने लग जाएगी. ये यूनिवर्स साइंस और सिंबल्स के फॉर्म में आपसे बात करने लगेगा. लेकिन स्टेप कछुए की तरह, वन बाय वन, देख के, सोच के, विचार करके, ध्यान करके, ध्यान करके. किसी भी, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की सिचुएशन में आप आ गए हैं, सबसे बेस्ट एडवाइस अगर आपको कहीं से मिल सकती है तो वो आप खुद दे सकते हैं. तो जब भी कोई ऐसा सवाल आपको आए आपके पास लाइफ में, कोई ऐसी स्टेज के अंदर, खुद के साथ बैठे, मेडिटेट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस यूनिवर्स विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. प्रकृति किसी ना किसी माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करती है. तो कछुए की तरह, विष्णु का सेकंड अवतार कछुआ को ही बोला गया है, कूर्म, कूर्म अवतार. इन अवतारों के बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे. आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें.